नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गाड़ी गुरु से। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे i20 2018 मॉडल में क्या क्या फीचर्स चेंज किए गए हैं और क्या क्या ऐड किए गए हैं उसमें। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे है, तो आइए हम देखते हैं नई मॉडल i20 2018 मॉडल के बारे में। Hyundai i20 2018 मॉडल में जानते हैं दोस्तों क्या क्या चेंज किए। बहुत माइनर सा चेंजेस किए गए, जैसे हेडलैम्प में प्रोजेक्टर हेडलैम्प डाल दिया गया है DRL लाइट के साथ। इसके फॉग लैंप में थोड़ा सा लुक चेंज किया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग लैंप में हल्का सा लुक चेंज किया गया है। साथ ही बात करें तो अलॉय व्हील्स का है, अलॉय व्हील्स न्यू डाला गया है इसमें, डायमंड कट अलॉय व्हील्स नए लुक में के साथ डाला गया है। और साथ ही गाड़ी की लुक भी बढ़ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स ORBM की बात करें तो ORBMs पे भी टर्निंग इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, जिससे गाड़ी की लुक बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर हम पैसेंजर साइड की बात करें तो पैसेंजर साइड में जो हैंड रेस्ट है उसमें वो दिया जा रहा है, हैंड रेस्ट दिया जा रहा है दो ग्लासेस के साथ। ये पहले भी आते थे, पहले की गाड़ियों में भी ये आते थे। और केबिन को ज़्यादा कूलिंग करने के लिए रियर एसी वेंट दे दिया गया है, जिससे कूलिंग की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी। और रूफ लाइट दे दिया गया है, जो ड्राइवर गाड़ी चलाते रहे और पैसेंजर कुछ भी पढ़ सकता है, जिससे ड्राइवर को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके साथ ही अगर रियर की बात करेंगे हम, रियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेल लैम्प का चेंजेस किया गया है, इसकी लाइट्स की कलर्स वगैरह को चेंज किया गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। पूरे एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, जो पहले आता था वही अब भी आ रहा है। और बाकी हमें तो पीछे से कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं, जो पहले के मॉडल में थी वही अब भी आ रही है। अगर हम ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड में थोड़े से चेंजेस, हल्का सा चेंजेस हुआ है। अब जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स ORBM फोल्डेबल और एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल सी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से फोल्डेबल और एडजस्टेबल हो सकता है। ये पहले की भी गाड़ियों में आती थी, ये जैसे 2017 मॉडल एंटी पिच विंडोज़ ड्राइवर साइड का एंटी पिच विंडोज़ दे रहे हैं, वो पहले भी देते थे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टीयरिंग कंट्रोल रिमोट, यहाँ से ट्रिप मीटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप ऑडियो कंट्रोल रिमोट, जैसे ब्लूटूथ हो गया ये और वॉइस कमांड हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स दिया जा रहा है, साथ ही मैनुअल हेडलैम्प्स भी है। और सबसे बड़ी चीज़, हेडलैम्प्स की लाइट को भी डिम और फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप इसको दबाएंगे तो ये देख सकते हैं ये मैक्स पे जाएगा, और यहाँ से आप माइनस पे जाएंगे तो मिनिमम पे जाएगा। लाइट्स को भी आप डिम और फास्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें ड्राइवर साइड के हैंड रेस्ट की, तो हैंड रेस्ट शोर एंड कंसोल पे जो दिया जाता है उसमें भी थोड़ा सा स्पेस दिया है, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम USB पोर्ट की बात करें, USB ऑक्सिन दे दिया है, 12 वोल्ट आउटपुट चार्जर दिया गया है। अगर आउटपुट चार्जर नहीं है तो USB चार्जर आप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मतलब एक 12 वोल्ट आउटपुट चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर आपका फॉग दिया हुआ है, ये फ्रंट फॉग दिया गया है। यहाँ पे एयर चेंजेस मोड और फुल्ली ऑटोमेटिक एयर कंट्री AC दिया गया है, एयर कंडीशन भी फुल्ली ऑटोमेटिक दिया जा रहा है। अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम आपका 7 इंच स्क्रीन के साथ फुल्ली टच डिस्प्ले है, जिसमें ऑडियो वीडियो और नेविगेशन सिस्टम, साथ ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और एप्पल कार प्ले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि आप गाड़ी जब तक ड्राइव करें तब तक वीडियो प्लेयर्स नहीं होंगे इसमें। वीडियो प्लेयर्स तभी होंगे जब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा होगा, यानी गाड़ी रुकी होगी और हैंड ब्रेक लगा होगा, तभी आप वीडियो प्लेयर कर सकते हैं। यहीं पे अगर ये देखिए, सेंटर लॉकिंग के लिए दिया हुआ है, स्विचेस दिए गए हैं लॉक अनलॉक के लिए। और साथ ही इसका जो AC वेंट है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, इसका इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहीं पे हम बात करें तो रूफ पे आपका सन ग्लासेस होल्डर दिया हुआ है, चश्मा भी आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं अपना। दो लाइट्स दिए गए हैं जिसको आप साइड में जला सकते हैं, जैसे ड्राइवर साइड चाहे ड्राइवर साइड जला सकते हैं, पैसेंजर साइड चाहे तो पैसेंजर साइड जला सकते हैं, जिससे ड्राइवर को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहीं पे
कूल ग्लो बॉक्स दिया गया है जिसमें चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। ये पहले भी आता था, काफ़ी चेंजेस नहीं हुए हैं इस गाड़ी में। और साथ ही एयरबैग्स हो हैं इसमें, 6 एयरबैग्स हैं, जैसे ड्राइवर साइड दिया गया है, पैसेंजर साइड दिया गया है, और ये आपका बी पिलर्स पे दिए गए हैं और सीट में दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट में भी, दोनों सीट पे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों सीट पे पैसेंजर दिए गए। अगर हम दोस्तों इंजन की बात करते हैं तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इंजन में जैसे पेट्रोल वर्जन में 1197 सीसी की गाड़ी आती थी, वो अभी भी आ रही है 2018 मॉडल में भी। डीजल कार की अगर बात करें तो डीजल में 1396 सीसी की आती थी, वो भी 2018 मॉडल में वही चीज़ है। कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इंजन में, केवल एक्सटीरियर में हल्के फुल्के चेंजेस हुए हैं, कहीं कहीं इंटीरियर में हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल गाड़ी गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई गाड़ी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।